हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ प्रकाश चंद्र प्रजार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, स्केल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जो व्हाट एवर यू नीड फॉर राइटिंग योर क्लास वर्क। तो टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जो 3 क्वेश्चन है वो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, मुझे पता है ये सॉल्व नहीं हुआ होगा किसी से, इसीलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, पहले आप समझो आइसोसेलिस ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइडें बराबर हो। अब देखो, ये दोनों साइडें इसकी क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू एसी, ए बी और एसी बराबर है, और बेस दे रखा है इसका 4/3, और द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर क्या दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है मेरे पास में, फोर 2/15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये पेरीमीटर है, बेस कितना है, बेस हमारे पास में दे रखा है 4/3। तो देखो, ये दोनों का सम है, पेरीमीटर मतलब ये तीनों आ गए, तीनों पेरीमीटर का मतलब ये तीनों है इसमें 1, 2, 3। अब मैं 3 में से अगर बेस हटा दूं, मुझे बेस दे रखा है, अब तीनों का सम क्या है, ये वाला है। अब इन तीनों में से अगर ये बेस बाहर निकाल दूं तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ए क्या हो गई, ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आएगी, 4/2/15 को माइनस करना है आपको 4/3 से, ठीक है। 4/ इस पेरीमीटर से 4/3 माइनस कर रहा हूं, तो 15 4 जा 62 अपॉन 15 माइनस 4/3, ठीक है। पहले आप इसको उतारो, फिर मैं रेज करता हूं आगे, बोर्ड हमारे लिए छोटा है। तो 62 अपॉन 15 4/3। अब आप क्या लो, एलसीएम लो, किसका एलसीएम, 15 और 3 का एलसीएम जब आपने लिया तो 15 ही आया, कितना आया, 15 आया। आपने वापस उतार लिया, 62 को मल्टीप्लाई करो आप 15 की टेबल, 15 वन टाइम, बीच में माइनस 4 मल्टीप्लाई। आप देखो 3 की टेबल 15, 3 5 15, ये 62 1 62 माइनस 5 4 20 अपॉन 15, ये 20, तो 42 अपॉन 15, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब ये आपका आंसर है तो ये क्या आया, ये दोनों आ गए, ए बी प्लस ए सी है दोनों। अब हमें दोनों अलग अलग चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, पहले ये उतारो फिर मैं आगे बताता हूं। अभी क्या आया, ये ए बी प्लस ए सी है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, अलग अलग कर दूंगा दोनों को, दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला तो आपने कर लिया होगा, फटाफट करें। देखो, अब आया हमारे पास में AB और AC, दोनों मिले हुए कितने हैं, 42 अपॉन 15। तो अब मैं निकालूं सेपरेट, या दोनों को AB AB मान लूं,
ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, टू ए बी, तो 42 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 15 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 1, ए बी बराबर क्या था 42 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से आप काट दो इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 अपॉन, तो ये आ गए अपना 21 अपॉन 15, दोनों कितने होंगे 21 अपॉन 15, ए बी भी 21 अपॉन 15 होगा और ए बी भी 21 अपॉन, और मैं लिख लेता हूं अब देखो, एबी भी आपके पास 21 अपॉन 15 होगा और एसी भी क्या होगा 21 अपॉन 15, क्योंकि आइसोसेलीज है और आइसोसेलीज में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आप कॉपी करें इसको नोटबुक में, तो ये हो गया। अब हम लेते हैं, ये आपने कर लिया होगा, अब हम लेते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर, देखो लिखता हूं मैं, सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका सम क्या है 95 है, ठीक है, वन एक्सीड द अदर बाय 15, वन एक्सीड्स द अदर बाय फाइंड द नंबर, वन एक्सीड, एक्सीड का मतलब बढ़ा हुआ है, तो वन नंबर अदर मान लो आप, अदर आप मान लो एक्स, ठीक है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई दो कोई संख्या है, कोई दो नंबर है उनको जोड़ने पे क्या आ रहा है 95 आ रहा है, जिसमें से एक क्या है, एक दूसरे से 15 ज्यादा है, एक्सीड का मतलब 15 ज्यादा है, जो दो नंबर है कोई दो उनमें से एक जो नंबर है उससे वो 15 क्या है ज्यादा है, तो मैंने एक मान लिया अदर मान लिया एक्स, तो वन क्या हो जाएगा वन नंबर, वन नंबर कितना था जो है दूसरे वाले नंबर से कितना ज्यादा है 15, दूसरे वाले नंबर से कितना ज्यादा है 15, ठीक है, अब इसको इक्वेशन में लिख दो, जो x है पहला नंबर ये और दूसरा है x प्लस 15, इन दोनों नंबर का सम क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 95 आ रहा है, ठीक है, यहां तक लिखो, पहले यहां तक लिखो, आपको समझ में आया नहीं आया, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई दो सम दो संख्या है उनको जोड़ने पे, उनको प्लस करने पे क्या आ रहा है 95 आ रहा है, ठीक है, कोई दो संख्या है, दोनों संख्या आपको नहीं बताई है, और ऐसे वर्ड में बोला है कि एक जो संख्या है, एक संख्या है वो दूसरे की 15 ज्यादा है, तो एक संख्या क्या है, आप मान लो x, कोई भी एक संख्या को x मान लो, अगर मैंने एक संख्या को x माना तो दूसरी उससे क्या है 15 ज्यादा है, तो दूसरी मैंने क्या मान ली x, पहली वाली से, पहली वाली आ गई उससे 15 ज्यादा है, अब देखो अब पहली वाली संख्या x है, दूसरी वाली x प्लस 15 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 95 आ रहा है, अभी तो ये केवल इक्वेशन में हुआ, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, आप देखो
अब है x और x कितने हो गए 2x, दोनों x को प्लस कर दिया, प्लस 15 इक्वल्स टू 95, ठीक है। अब आप करो 2x वापस लिखो 95, 15 को यहां ट्रांसपोज करो, प्लस का 15 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बाकी वाला यहां लिखता हूं। अब मेरे पास बचा 2x बराबर 95 में से 15 माइनस होगा तो 80, ठीक है। अब मैंने आपको एक बोला था 2 और x जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये तो जुड़े हुए होते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 80। अब 2 क्या था मल्टीप्लाई था, यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 40, तो x बराबर कितना आया 40। तो बताओ पहली संख्या x हमने किसको माना था अदर, तो अदर नंबर क्या है, अदर नंबर है 40, और वन नंबर क्या है, वन नंबर 40 प्लस 15 बराबर 55, तो एक नंबर क्या है 40 है, दूसरा क्या है 55। देखो 40 और 55 कितने हुए, हो ना 95, दोनों का सम आ रहा है 95। तो ये आप पहले इसको कॉपी करें नोटबुक में। तो ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। इससे क्या होता है आपकी जो रीजनिंग पावर है, ब्रेन की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी ब्रेन को मजबूर करता है उसको वर्क करने के लिए, नहीं तो आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालते। इसके बाद में हम होमवर्क करेंगे, तो अब आपको ये करना है होमवर्क में। चलो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कोई दो नंबर का सम 95 था, एक हमने x मान लिया, दूसरा उससे 15 ज्यादा है तो x प्लस 15 हो गया, फिर दोनों को x और x प्लस 15 को जोड़ा तो 95 आना चाहिए, ये मैंने x और x को जोड़ दिया 2x हो गया, प्लस 15 प्लस 15 को उधर भेजा तो माइनस हो गया, या 2x बराबर 80 या x बराबर 80 अपॉन 2 या 40, x बराबर 40 आया, x हमने क्या माना था अदर नंबर, x माना था x अदर नंबर 40 है, और 1 हमने क्या माना था जो x आएगा उसमें 15 प्लस होगा, ये हो गया जो आया x उसमें प्लस 15 हो रहा है 55, ठीक है। तो अब आपको होमवर्क में कौन सा करना है, फिफ्थ वाला होमवर्क में आपको एक ही क्वेश्चन करना है, वो भी फिफ्थ वाला, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ दे डिफर बाय 18, ये आप मत करना, चलो आप 6 करना, फिफ्थ मैं बताऊंगा आपको, 6th वाला करना है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप, 3 लगातार कोई इंटीजर थे उनको जोड़ा एड अप किया तब उनका सम क्या आया 51 आया, तो आप ले लो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, x ले लो, पहला नंबर ले लो x, दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तीसरा क्या होगा x प्लस 3, इन तीनों को जोड़ो और तीनों का सम क्या आ रहा है 51, तो आप 6 करना, फिफ्थ वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी कंफ्यूजन होगा तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा है दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के, जो बहुत ही थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको इनको क्या करना, दोबारा सॉल्व करना है रफ नोटबुक में, देख के करो भले आप एक बार देख के कर लो, फिर आपको एक बार इसकी जो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा फिर आप आसानी से कर पाओगे। तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।